एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में क्या है, आज के वीडियो में कोई मेकअप लुक नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स कह सकते हो कि रिक्वेस्ट वीडियो है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि नेचुरली स्किन को कैसे ग्लो किया जाए और तू क्या अप्लाई करती है। मुझे ये वाला जो क्वेश्चन है हमेशा आता है, क्या लगाते हो फेस पे, तू क्या लगाती है, आप क्या लगाते हो। सो मुझे लगा कि एक वीडियो इस पे बनाना चाहिए कि मैं अपने फेस पे क्या अप्लाई करती हूँ। नेचुरल चीज़ें जो होती है वही चीज़ें मैं लगाती हूँ, मैं ज़्यादा फेशियल वगैरह नहीं करवाती हूँ। और जैसे कि अभी सिचुएशन भी ऐसी चल रही है तो ज़्यादा करके लोग पार्लर वगैरह नहीं जाते। जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके घर में अवेलेबल है उससे भी आप अपना जो है स्किन ग्लो, नेचुरली ग्लो कर सकते हो और अपना स्किन केयर मेंटेन रख सकते हो। और बस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड और वो भी 15 मिनट्स में आप अपने स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हो इजी तरीके से, और ज़्यादा उसमें एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, एफर्टलेस से इफ़ेक्टिव भी है और एफोर्डेबल भी है। सो आज का वीडियो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लिया है नेस्कैफे और इसका मैं लूँगी 1 चम्मच और मैं सेम क्वांटिटी रखूँगी जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ जो भी चीज़ें। और मैंने इसका 1 स्पून लिया है, मैं अपने फेस के हिसाब से लेती हूँ। आप हाफ स्पून भी ले सकते हो अगर आपको मतलब फेस के अकॉर्डिंग, अगर हाफ स्पून भी बहुत हो जाता है तो मैंने 1 टेबल स्पून लिया हुआ है। और हनी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है यहाँ पर, और सेम क्वांटिटी है हनी। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ जो कि है बेसन, और ये मैं कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन के लिए बता रही हूँ, कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन, जिसके नॉर्मल स्किन है और ड्राई स्किन है उन लोगों के लिए हनी डालना है कॉफ़ी में। जिनकी स्किन ऑयली है उनको लेमन डालना है, हाफ लेमन डालना है, और जिनकी स्किन ऑयली है उनको बेसन की जगह राइस फ्लावर डालना है। बस इतना ही है जो जो क्या बोलते हैं कंपैरिजन ऑयली स्किन और ड्राई स्किन का। मैं यहाँ पे अपनी स्किन के हिसाब से ये पैक बना रही हूँ जो कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है और कभी ड्राई हो जाती है, इसलिए मैंने हनी और बेसन ऐड किया है कॉफ़ी पाउडर में। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लेमन और राइस फ्लावर यूज़ कर सकते हैं इसमें कॉफ़ी पाउडर में। राइस फ्लावर इजीली अवेलेबल है मार्केट में, पैकेट्स आ जाते हैं, आप उसका 1 टेबलस्पून और हाफ लेमन कॉफ़ी में मिक्स करके, अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है, पिंपल है और दाग धब्बे ज़्यादा है तो आप इसमें ये 2 चीज़ें यूज़ करें। तो मेरी स्किन के हिसाब से जिसकी स्किन क्लियर है, ज़्यादा दाग धब्बे नहीं है, नॉर्मल है और ज़्यादा ड्राई रहता है तो उसके लिए हनी और बेसन। तो ये तीन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पानी में मैंने मिक्स किया है। आप चाहो तो रोज़ वाटर डाल सकते हो, नहीं तो नॉर्मल वाटर भी डाला तो आपको थोड़ा सा पानी डालना है, वो अच्छे से जल्दी से मिक्स हो जाता है। आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी कितनी है, थोड़ा सा पतला होता है तो आपको ध्यान रखना है। 1 टेबल स्पून भी मतलब डालते ही पानी वो अपने आप मिक्स हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने फेस पैक लगा लिया है। अब मैंने 15 मिनट्स रखने के बाद थोड़ा सा जब ड्राई हो जाता है उसके बाद फिर मैंने पानी लिया है, और पानी लेके जैसे आप देख सकते हो मैं मसाज कर रही हूँ। वैसे मैं मसाज कर करके उसको निकालूंगी, ना कि मैं एकदम से वॉश कर दूंगी। तो इसको मैंने अच्छे से पानी और जो मेरा बचा हुआ जितना पैक था, जो फेस पैक था कॉफ़ी फेस पैक, थोड़ा सा बच जाता है जो, इतना सा दोबारा उसी पानी से मिक्स कर करके मैं मसाज करूँगी फेस पे। और ये जैसे कि आप फेशियल नहीं कर पाते हो तो आपकी स्किन जो टैन हो जाती है, स्किन लूज़ हो जाता है और रिंकल्स आ जाते हैं, तो उसको भी उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। और स्किन तो ब्राइट होता ही है, ब्राइट हो जाता है, स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है और स्किन टाइटनिंग भी हो जाती है, और रिंकल्स जैसे आ जाते हैं एज पर एज, रिंकल्स ऑब्वियसली आते ही हैं, तो ये थोड़ा सा उसको एंटी रिंकल है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है इसमें, तो वो आपके फेस को नेचुरली ग्लो करेगा और रिंकल्स कम आएंगे और स्किन टाइट रहेगी इससे। और जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ वैसे ही आपको थोड़ा सा 5 मिनट्स मसाज करना है इसको, पानी ले लेके और जितना बचा हुआ जो कॉफ़ी पैक है उसको लेके मसाज करना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। और 15 मिनट्स में आपकी स्किन नेचुरल
नेचुरली ग्लो लगेगी। बस इसके बाद मैं पानी से वॉश कर लूँगी अच्छे से मसाज करने के बाद, और इसको थोड़ी देर मसाज करना तभी थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ, आप देख सकते हो। सो बस मैं इसको ठंडे पानी से यहाँ पे वॉश कर लूँगी और मेरी स्किन विदिन 15 मिनट्स बहुत अच्छे से ग्लो करने लगती है। अगर आपको कहीं इंस्टेंटली जाना हो और रेडी होना हो और स्किन डल लगती है, तो आप ये वाला जो कॉफ़ी फेस पैक है ये ट्राई ज़रूर कर सकते हो। सो बस मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मसाज कर लिया है, और ध्यान रखना कि आपके कपड़े इसमें थोड़े से गंदे होते ही हैं, ऑब्वियसली मेरे हाथ से भी बहुत ज़्यादा वो आ रहे थे नीचे तक, तो आपको एक कपड़ा या कुछ भी नैपकिन वगैरह रखना ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे अपने जो है मसाज वगैरह कर लिया है, और मैं जितने भी पॉइंट्स वगैरह हैं उनको भी प्रेस करती हूँ ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, तभी आपकी स्किन ग्लो करती है। थोड़ा सा मसाज इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं इसको ठंडे पानी से धो लूँगी और आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप ट्राई ज़रूर करना और रिज़ल्ट आपको पता चल ही जाएगा आफ्टर, जब भी आप ट्राई करोगे उसके बाद। सो आप लोगों ने देखा ये जो कॉफ़ी फेस पैक है कितना अच्छा है और कितना ही इफ़ेक्टिव है। 15 मिनट्स में नेचुरली ग्लो कितना आ जाता है। अगर आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका, जो कि मैं यूज़ करके और मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो होप कि आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, और जिसने मुझसे क्वेश्चन किया था उनको आंसर ज़रूर मिल गया होगा। अगर आप चाहते हो कि आगे भी मैं ऐसे स्किन केयर अपना कुछ लेके आऊँ, मीन स्किन केयर के बारे में अगर आपको कुछ और जानना है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना ये वीडियो कैसा लगा। सो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।